गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है गुरुवार थर्सडे, तो अभी एकदम सुबह का टाइम है। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैं सोची कि जब मैं हर रोज़ आजकल सुबह उठ ही रही हूँ मॉर्निंग में, तो आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ, मतलब वीडियो बनाऊँगी ये सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता है, फिर वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और जब बहुत लेट से मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ तो एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, मतलब थोड़ा सा लेट भी हो जाता है। तो जितना दिन मतलब टाइम निकलता रहता है उतना ही थोड़ा सा लेजीनेस भी आता है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर दी हूँ अपना ब्लॉग। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं अच्छे से पूरा घर का झाड़ू लगाई, उसके बाद बर्तन धोऊंगी। तो सबसे पहले बर्तन का जितना भी झूठा वगैरह है वो सब थोड़ा सा पानी से मैं धो लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है, जल्दी जल्दी बर्तन को मैं मांझ के फिर धो लेती हूँ। झाड़ू लगाना और बर्तन धोने के बाद मैं और टाइम किसी भी काम पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात स्कूल जाएगा, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जाएगा, तनिषा तो सुबह स्कूल चली ही जाती है। तो बर्तन धोने के तुरंत बाद ही मैं चाय बिठा दूंगी, तो मैं भी थोड़ा सा चाय पीऊँगी और मम्मी भी उठ जाती है सुबह, तो मम्मी भी चाय पिएगी। तो इससे चाय पीने से थोड़ा सा नींद का एक थोड़ा सा नींद जैसा लगता है तो वो एकदम कट जाता है, एनर्जी भी मिलता है सुबह काम करने के लिए। वैसे कभी कभी जब थोड़ा सा एनर्जी कम लगता है तो मैं जल्दी उठ के पहले तो ब्रश वगैरह करके पानी पी के चाय बना के चाय बिस्किट खा के फिर मैं कभी कभी काम करती हूँ, नहीं तो नॉर्मली ऐसे झाड़ू पोछा थोड़ा सा लगा के उसके बाद चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो देखिए मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया है, जितना भी बर्तन था मैं सब कुछ धो ली हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेती हूँ चाय, हम लोग चाय पियेंगे उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। देखिए अभी बन रहा है इधर चाय, अभी चाय का पानी उबलेगा तभी मैं चाय पत्ती ऐड करूँगी। और रात में जो भी खाना वगैरह बचा था तो मैं फ्रिज से निकल के रख दी हूँ, ये आता है घूम के रख दी थी कल ही शाम को, तो ये भी निकल के रख दी हूँ। और रात का कुछ बचा हुआ खाना है, ये है कड़ी, ये बनाई थी दाल और आलू और बीन्स फ्राई, इसमें इसमें है थोड़ा सा चावल बच गया था, और इसमें कल साग बनाई थी दोपहर में तो वो थोड़ा सा बच गया था, तो निकल के अभी रख दी हूँ ताकि पता चले कि क्या क्या खाना बच गया है तो क्या क्या बनाना है। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड रोटी और करी से खा के फिर काम पे जाएगा। तो ये गुड्डे का बिस्किट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। वैसे तो मैं मेरी बिस्किट खाती हूँ सुबह चाय के साथ, मेरी मतलब मारी, जिसको मारी बिस्किट शायद बोलते हैं पता नहीं, पर मैं तो मेरी बिस्किट ही बोलती हूँ, तो वो मैं खाती हूँ सुबह से हम सब चाय के साथ। पर मेरे हस्बैंड नहीं खाते, उसको उनको पसंद नहीं है। तो मुझे गुड्डे बिस्किट भी आजकल अच्छा लग रहा है, ये भी विटानिया का है, ये भी विटानिया का ही है। जैसे विटानिया मारी होता है वैसे विटानिया गुड्डे भी होता है, काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी ट्राई करके देखना। वैसे तो ये मीठा है, सुबह सुबह तो हर कोई मीठा बिस्किट नहीं खाना चाहता है, पर काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे सिर्फ बिना चाय के भी काफ़ी अच्छा लगता है खाना, और फिर चाय के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं और ख़ास करके राज और दिया उन लोग को भी अच्छा लगता है, इसी कारण मैं यही बिस्किट अभी ला रही हूँ। वैसे मारी भी तो हमेशा लाती हूँ, उसके बिना कोई काम नहीं चलता, क्योंकि हमेशा तो मीठा बिस्किट अच्छा नहीं लगता है, तब मारी खाती हूँ बस। आप लोग चाहो तो इसको भी ट्राई करके देखना, ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। देखिए
तो देखिए चाय बन गया है, तो चलिए चाय पी लेती हूँ। और मम्मी पहले ही चाय पी चुकी है, तो मैं ब्रश वगैरह की तो थोड़ा सा अभी लेट हो गया, तो चलिए चाय बन पीने के बाद मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना लूँगी। तो देखिए नाश्ता वगैरह बन गया है और मेरे हस्बैंड अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है, मेरे हस्बैंड भी काम पे चला गया है, राज भी स्कूल पे चला गया है और मेरा मम्मी का भी ब्रेकफास्ट हो गया है। तो अभी मैं बेड को क्लीन कर रही हूँ और मम्मी तो पूजा घर में सोती है राज के साथ, राज भी अपने नानी के साथ ही सोता है। तो उस कमरे का तो बेड मम्मी क्लीन कर लेती है और इस कमरे का मैं क्लीन कर रही हूँ अभी। तो बेड क्लीन करने के बाद थोड़ा सा लंच का मैं तैयारी करूँगी या फिर डायरेक्ट लंच ही बना लूँगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लंच बनाना थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। उसके बाद लंच खा के फिर वीडियो को एडिटिंग करने का मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा मतलब रेस्ट करने का मन करता है। तो जल्दी अगर लंच बना लेती हूँ, जल्दी अगर खा लेती हूँ, उसके बाद वीडियो भी एडिटिंग टाइम पर कर लूँगी। और हर रोज़ मैं चाहती हूँ कि मैं भी हर रोज़ वीडियो शेयर करूँ, पर वही थोड़ा सा मतलब एडिटिंग में ही गड़बड़ी हो जाता है। वीडियो बनाने के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, तो लेकिन एडिटिंग करना टाइम पे वो तो ज़रूरी है। तो देखिए मेरा बेड बिल्कुल क्लीन हो गया है। गुड आफ्टरनून, तो अभी बज गया है 1:30। तो अभी मेरा नहाना वहाना हो गया है, तो सुबह का जितना भी काम वगैरह था सब कुछ कम्प्लीट ही हो गया है। वैसे तो मतलब दिन भर काम रहता ही है, जितना भी बर्तन धो थोड़ा बहुत निकलता तो रहता ही है। तो अभी मैं बनाऊंगी लंच, और आज लंच में क्या बनाऊंगी, मैं कल तो बनाई थी मछली, तो आज भी मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी। तो अभी देखती हूँ, क्योंकि बर्फ फ्रिज से तो मैं निकल के काफ़ी पहले ही रख दी थी, पर अभी भी फिर भी थोड़ा सा बर्फ है पहले। और 2 दिन पहले मैं एक रेसिपी बनाई थी जो है दालेर बड़ा तरकारी। तो जो मसूर का जो दाल होता है वो चना दाल होता है, तो दोनों मिलकर के ही मैं पेस्ट बना के तो बड़ा बनाती हूँ। तो उसके अंदर थोड़ा सा पालक मिला के एक बड़ा बनाई थी, तो उसकी सब्जी बनाई थी। तो थोड़ा सा है उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं बना ली थी, जो दाल का पेस्ट होता है, तो थोड़ा सा बच गया है। तो मैं सोच रही हूँ वही बड़ा टाइप का कुछ एक बनाऊंगी, तो अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ। तो चलिए मैं जल्दी बना लेती हूँ जो भी कुछ बनाऊंगी लंच। तो सुबह का थोड़ा बहुत तो कामकाज आप लोग के साथ मैं शेयर की हूँ। तो आज अभी तो 1:30 बज गया है, तो थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा, तो चलिए जल्दी जल्दी लंच को बना लेती हूँ। तो देखिए चावल तो बन ही गया है, इसमें से दिया स्कूल से आके खाई है और कुछ फ्रूट्स वगैरह है तो काट के रख दी थी, तो वही अभी तक बचा ही है, अभी तक कोई खाया नहीं है। तो लाइट को ऑन कर ली, तो कल का थोड़ा सा दाल बचा है और जो मैं बड़ा बनाई थी उसका भी देखिए दाल और फिर पालक का जो पेस्ट है वही है, तो इससे भी बड़ा बना सकती है। तो और ये है फिश, तो ये देखती हूँ पिघल गया कि नहीं। थोड़ा सा पिघल ही गया है, तो ये बना सकती हूँ ऐसे पानी में, इसके ऊपर रख दी थी ताकि जल्दी बर्फ पिघल जाए, और ऐसे में थोड़ा सा जल्दी भी पिघल जाते हैं। तो बड़ा के सब्जी बनाने के लिए जो भी सब्जी चाहिए तो वही मैं काट ली हूँ। इसमें है कच्चा पपीता, फिर ड्रम स्टिक है और है आलू, तो इससे एक सब्जी बनाऊंगी। तो रसा ज़्यादा नहीं रखूंगी क्योंकि थोड़ा सा दाल है। तो चलिए बड़ा को मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसको आप लोग चाहो तो छोटा साइज भी बना सकते हो, छोटा छोटा बड़ा, पर अभी लेट हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा साइज का ही बना ली।
तो इस सब्जी को बिना प्याज के मैं बनाती हूँ, काफ़ी अच्छा बनता है। मतलब कोई भी प्याज लहसुन ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, ये वेज ही होता है। थोड़ा सा जीरे को तड़के में लगा के फिर सब्जी को अच्छे से फ्राई करके उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा कुटी हुई अदरक, आप लोग चाहो तो अदरक पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे सब्जी थोड़ा सा घना बन जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी में बना रही इसीलिए अदरक को थोड़ा सा ग्रेट करके ही डाली हूँ, और पिसा हुआ जीरा, थोड़ा सा धनिया पाउडर आप लोग चाहो तो डाल सकते हो। वैसे मैं पिसा हुआ जीरा, धनिया पाउडर ये सब कुछ भी नहीं डाल रही, फिर भी काफ़ी अच्छा बनता है जीरे के लोग चाहो तो। इसमें लास्ट में सब्जी में धनिया पत्ता भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा बनता है इससे। तो देखिए मेरा सब्जी बन गया है, आप लोग भी इसी तरीके से थोड़ा सा ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छा लगता है। और बड़ा की सब्जी तो वैसे मैं थोड़ा सा आलू से ही बनाती थी पहले, सिर्फ आलू और बड़ा या फिर बैंगन से बनाती थी, लेकिन पपीता या फिर ड्रमस्टिक ये सब डालने से भी काफ़ी अच्छा बनता है सब्जी का टेस्ट। अलग से कोई भी एक्स्ट्रा मसाला वगैरह की देने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी काफ़ी अच्छा बनता है। मतलब वेज जो सब्जी होता है वैसे ही बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी बना के देखना, बिना प्याज लहसुन का भी कितना अच्छा सब्जी बनता है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करना। आप लोग चाहे तो सिर्फ दाल वगैरह को पीस के भी बना सकते हो, या फिर उसमें थोड़ा सा पालक वगैरह डाल के भी बना सकते हो। बड़ा काफ़ी अच्छा बनता है, ये बड़ा मटर दाल का भी बनता है, चना दाल का भी बनता है, या फिर मसूर दाल का भी बनता है, तीनों दाल में ही अच्छा बनता है। तो गाइज मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।